आशीर्वाद दिए हम मुख्यमंत्री बने तो पहला मंत्रिमंडल में अगर हमारे पहलता कलम अगर चली तो 10 लाख नौजवान के सरकारी सिपाही जी का खाली है, दरोगा जी का खाली है, शिक्षक लोग का खाली है, प्रोफेसर लोग का खाली है, जूनियर इंजीनियर का खाली है, डॉक्टर नर्स कंपाउंडर चपरासी प्यून क्लर्क सबका खाली है, उसको हम भरेंगे। और जो राष्ट्र औसत का मुकाबला है 5.5 लाख रोजगार, उसको हम पूरा करेंगे। तो 4.5-5.5-10 लाख तो होने वाला होगा ना। नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। कितना में? 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। इस कानून को हम लोग रद्द करेंगे, जो पहले प्रावधान था उसको हम लोग लागू करेंगे। तो देखिए, जितना जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, स्वयं सहायता समूह है, विकास मित्र है, आशा वर्कर है, सभी लोगों का मानदेय जो है 4,000 करेंगे। और उन लोगों को नियमित लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से इस प्रकार से थक चुके हैं मुख्यमंत्री। और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। हाँ, ये साफ है कि बीजेपी निश्चित रूप से दबाव में आई है। उसे ये पता चल गया है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में, उनकी चुनावी सभाओं में जो लोग आ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग जिसमें बेरोजगारी काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, ये कोरोना से संक्रमित हो गए, इनका इलाज। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। फसल बोई है सोयाबीन की और बैंक वालों ने बीमा कर दिया उड़द का। ये भी हुआ है कि ताकि किसान इन्हीं सब में उलझा रहे और बीमा कंपनी को पैसे ना देने पड़े। भागीरथ जी ने यह भी बताया कि पिछले साल जो उनके जिले में बीमा कंपनी थी वो इस साल नहीं है, अब किसी और कंपनी को टेंडर बन गया। ये रोस्टर में घूम घूम के किसानों को गोला बना रहे हैं। कोटा जिले के हाड़ौती के 12 जिले के अटरू तहसील का एक गाँव है नरसिंहपुर। इस गाँव के कई किसानों की उड़द और सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गईं। 6 महीने से किसान बीमा राशि लेने के लिए चक्कर लगाते रहे, कभी बीमा कंपनी गए, कभी बैंक, तो कभी कृषि विभाग। भागीरथ शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग ने बीमा कंपनी को 3-3 बार चिट्ठियां भेजी कि इन किसानों की 100% फसल नष्ट हो गई है।
सारी खबरें अखबार में भी छप रही थी, लेकिन इसके बाद भी बीमा का एक नया पैसा नहीं मिला। अच्छे दिन